बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मटन स्ट्यू की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, जिसमें शामिल है मटन, बकरे का गोश्त, ये 2-3 टमाटर हैं, हरी मिर्च है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 2-3 प्याज हैं, और ये कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें नमक है 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, काले मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। अब इसको हम एक प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये प्रेशर कुकर में हमने ऑयल डाला है, इसको गरम करेंगे। अब ये ऑयल गरम हो गया है तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज को बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। अब इसमें ये हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको शामिल करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए प्याज ज़रा ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। तो अब इसमें ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2, ये शामिल करेंगे, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, इसको भी शामिल कर देंगे। अब ये ज़ीरा शामिल करके इसको फिर से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मटन शामिल करेंगे। ये बकरे का गोश्त इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए भूनते रहेंगे, ये शुरू में इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो गोश्त में एक थोड़ी सी हींग सी आती है वो ख़त्म हो जाए।
अब मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो देखें, अब ये गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसको शामिल करके भी अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे। अब ये पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें शामिल हैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च। इन्हें शामिल करके भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि भुनाई कर लेंगे। अब ये 3-4 टमाटर हैं, ये शामिल कर देंगे इसमें। दही शामिल कर दें इसमें। फोर टीस्पून के बराबर दही जाएगा इसमें। फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखें, इसको भूनते हुए मुझे मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें 2 ग्लास के बराबर पानी शामिल करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। अब ये 15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसका वेट उठाएंगे। अब इसका ढक्कन खोल कर देखेंगे, तो अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है। अब दोबारा से स्टोव ऑन करेंगे, अभी इसके पानी को ड्राई करना बाकी है। इसमें 7-7 चम्मच चलाते जाएंगे इसमें। तो अभी देखें, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो गया है।
तो अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, टू टीस्पून के बराबर लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। तो अब ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया है, तो हमारा ये मटन स्ट्यू अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको रोटी या नान के साथ सर्व करें। अब एक प्लेट लेंगे, उसमें इसको निकालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।